विद्यासागर जी। चार लोग अर्थी के लिए आए, जैसे माँ मेरे साथ थी। देख, अगर तू रोएगी ना तो माँ भी रोएगी। मुझे पता है तुझे माँ की बहुत याद आती है ना। हम उन्हें याद करेंगे, लेकिन रोते रोते नहीं, हंसते हंसते। तेरी कैसी परीक्षा है। एक तरफ इतना बड़ा दुख तो दूसरी तरफ सुख। माता रानी, तू जैसा आदेश करेगी उसी तरह मैं जीवन जीऊंगा। लेकिन आज पंडित विद्यासागर की आत्मा किताब चल कर बस हो गई है।
माँ का प्यार मिलने से बच्चे का पालन पोषण नहीं होता है, बता। इसे पिता की छत्र छाया की भी जरूरत पड़ती है, पिता की छत्र छाया की भी जरूरत पड़ती है, पिता की छत्र छाया की भी जरूरत पड़ती है। बाबूजी, आप नाराज हैं मुझसे। मैंने माँ को कितनी बार कहा कि मुझे मंदिर नहीं जाना। सच बाबूजी, लेकिन बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। तेरे छोटी बहन के जन्म की खुशी में ना माता रानी की चौकी रखेंगे हम। तेरे छोटी बहन के जन्म की खुशी में ना माता रानी की चौकी रखेंगे हम। मेरी बहन के जन्म की खुशी में माता की चौकी होगी, जरूर होगी माँ। मायूसियों में घिरे जो जिंदगी है कभी, जिस पल तेरा नाम लूं पल मुस्कुराए वही। मायूसियों में घिरे जो जिंदगी है कभी, जिस पल तेरा नाम लूं पल मुस्कुराए वही। सागर में लहरे जैसे, मधुबन में हिरने जैसे, सचता है एक ही नाम। आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे, होठों पे सचता है एक ही नाम। तेरी मेहर से माता रोशन सवेरा आए, धुनी तेरी जलाए मेरी शाम। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है, सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। पंडित जी, ये लता है, मंदिर के पास फूल की दुकान वाले शंभू की बीवी। नमस्ते पंडित जी। पंडित जी, वो आप कह रहे थे कि बच्ची की देखभाल के लिए कोई चाहिए, सो मैं इन्हें ले आया। तो चलो, तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी समझाता हूँ। अच्छा पंडित जी, मैं चलता हूँ। लता, ठीक से देखभाल करना बिटिया रानी की और घर की भी। अच्छा, प्रणाम। नमस्ते। घर में ज्यादा सदस्य नहीं है और मेरा अधिकतम काम मैं खुद कर लेता हूं, इसलिए तुम्हें सिर्फ बच्ची की देखभाल और घर के जो नित्य काम है वही करने होंगे। जी पंडित जी, आप घर की और बच्ची की देखभाल मुझ पे सौंप दीजिए। घर की और बच्ची की नहीं, बल्कि बच्ची की और घर की।
बच्ची का पालन पोषण सबसे अहम है। मेरी बच्ची को लेकर कोई लापरवाह हो मैं सहन नहीं करूंगा। तुम्हारा मुख्य काम है मेरी बच्ची की देखभाल। घर का काम नहीं बनता है ना बने जी। हाँ उसके बाद अगर तुम्हें फुर्सत मिले तो सुबह शाम का खाना बना लेना और घर के जो काम है वो कर लेना। जी पंडित जी मैं समझ गई। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। इस बच्ची को मैं बिल्कुल अपनी बच्ची समझ के पालूंगी। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ जी पंडित जी, जब मैं घर पर रहूंगा मेरी बच्ची की देखभाल मैं करूंगा जी। और मेरी अनुपस्थिति में सिर्फ तुम और तुम बच्ची की देखभाल करोगे। इसके अलावा कोई तीसरा मेरी बच्ची के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। लेकिन पंडित जी इस घर में मेरे और आपके अलावा तो कोई और है। समझ गई पंडित जी मैं बिल्कुल समझ गई। मैं इस बच्ची के पास किसी को आने नहीं दूंगी। बड़ी प्यारी बच्ची है पंडित जी आपकी, बड़ी प्यारी है। पंडित जी को लगता है कि तेरी माँ की मौत तेरी वजह से हुई थी। हाँ इसलिए तो वो मुझे बात तक नहीं करते और हमेशा मुझसे गुस्से में रहते हैं। पर माँ कहती थी कि उनका गुस्सा एक ना एक दिन ठंडा हो जाएगा। ये सब तू मुझ पे छोड़ दे, मैं सब ठीक कर लूंगी। आप मना लेंगी बाबूजी को? हाँ थोड़ा समय लगेगा लेकिन मना लूंगी। पर बाबूजी तो मुझसे बात तक नहीं करते। वो मुझसे बात करेंगे ना? हाँ हाँ करेंगे, जरूर करेंगे। बस जैसा मैं कहती हूँ ना तू वैसा करती जा। अब जो कहेंगी मैं वो करूंगी। सच्ची? चल फिर तू अभी सारी सब्जी काट ले समझी, हमें बहुत सारे काम करने। हाँ मैं जाके बच्ची के पास बैठती हूँ ठीक है। शाबाश जल्दी जल्दी काट लेना। हाँ कर लिए बिटिया रानी। अब दीदी सब्जी काटेगी हम दोनों खेलेंगे। अरे वाह कट गई सब सब्जी। हाँ। शाबाश मैं खाना बना लेती हूँ तब तक तू ना सारी साफ सफाई कर ले। अच्छा चल उठ। ये क्या कर रही है? खाना ले रही हूँ मौसी, बहुत भूख लगी है। मैंने तेरे लिए खाना नहीं बनाया, मुझे तेरे लिए खाना बनाने को किसी ने नहीं कहा समझी, क्योंकि पंडित जी को अच्छा नहीं लगेगा समझी, और वो तुझसे नाराज हो जाएंगे। फिर मुझे मत कहना। पर मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया मौसी। अरे तो मैं क्या करूँ, तुझे खिलाने पिलाने के चक्कर में ना मेरी नौकरी चली जाएगी। एक काम कर तुझे बहुत भूख लगी है ना तू जा जाके चूल्हा जला ले और खुद पका ले। मैं? अब तू नन्ही बच्ची थोड़ी है। पर मुझे खाना पकाना नहीं आता मौसी। क्यों तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया? खाना बनाना नहीं आता। मुझे भी बनाना है। अभी तो बहुत वक्त है तेरे पास ये सब करने के लिए।
चला जाएगा। मैंने आज बंद कर ली है। गुज्जू तेरे मुंह में चला जाएगा। बस एक बार चूल्हा जल गया तो फिर तो फटाफट तेरे आलू टमाटर तैयार। हाँ तो फिर देसी घी में टमाटर, राई और जीरे को ऐसे भून ले, हाँ, और फिर उसमें आलू डाल दे। थोड़ा सा अदरक डाल स्वाद के लिए। तो समझ कि वैष्णवी के लिए गर्मा गर्म सब्जी तैयार।